algo oficial. सब यहाँ डॉक्टर्स लोग और नर्स लोग यहाँ पीएस आलो में सब इकट्ठा हो रहा है ना, तो बताइएगा आप लोग किस विषय में, मतलब क्यों यहाँ सब आया है? कल रात वो इमरजेंसी वार्ड में सर हम वो कर रहा था, एक वो लड़का आके हमको डॉक्टर कहाँ है बोल रहा था। हम ये आनी को पूछा था, आनी वो डॉक्टर कहाँ है बोले, सर को इन्फॉर्म कर दिया सर अभी आएगा बोल के। वो लड़का को तो हम मालूम नहीं है, वो लड़का फिर से हमको बोले, और हम मेल फीमेल वार्ड में हम पेशेंट को देखने के लिए राउंड गया था, वो मेरा पीछे पीछे आ रहा था वो लड़का ना, ऐसे ओके फिर से मेल वार्ड में गया है तो हमको बाल से ऐसे करके थाना है वो लड़का। उसके बाद हमको इंजेक्शन मार दो बोले, इंजेक्शन उसका हाथ में इंजेक्शन ही नहीं था और कागज़ कुछ भी नहीं था, ऐसे ओके हमको इंजेक्शन मार दो बोले। उसके बाद दो बार हमको पीछे से मारा है ना। आप विक्टिम है ना? हाँ जी। आपको अशोल्ट किया है ना? जी। ओके, तो आप मतलब ड्यूटी में था? हम ड्यूटी में था, नाइट ड्यूटी था। हाँ। लड़का जो है 21 जो है आपको आके इंजेक्शन मार दो बोला, उसके बाद डायरेक्ट असॉल्ट किया आपको? हाँ, मेरा पीछे पीछे आके। अच्छा। वो ऐसे किए। ओके। और दोस्त भी बोले, अरे यूनिफॉर्म को नहीं देख रहे क्या, हम लोग यूनिफॉर्म पहन रहे क्यों ऐसे कर रहे बोल रहे। तो हम मालूम है रेगुलेशन, हम रूल्स एंड रेगुलेशन हम पूरा मालूम है और किसको रेस्पेक्ट करना है हम मालूम है बोल के हमको ऐसे किए। किसको करना है किसको नहीं करना है इन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो काम दिया डॉक्टर जय का। तो प्रेजेंटली वो जनरल हॉस्पिटल आलो लोग मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट है हिलो गुनो तना होगी इनमें हमें का मैं वो लोग नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी हमने इंटीमिडिएट ला फिजिकली असल्ट नाम लगे आप गुन हिलो एफ आई आर जीत भाई ईदू नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हर इंसिडेंट ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इस तरह का इंसिडेंट होता रहता है, बट एक पेशेंट का उन लोग का दुख तकलीफ को भी देख के हम लोग बहुत सारा इग्नोर किया है, बट कल रात का जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया। उसको भागा भागा के पीछे से आके भागा भागा के हमारा नर्स को फिजिकली असल्ट किया है, तो ये जो है इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। हम अपना दुख तकलीफ को गवर्नमेंट के एजेंसी के आगे में रखने के लिए आया है, और ये मुद्दा जो है मैं दो बार बोल रहा हूँ, ये पहली बार नहीं है, इस तरह का हमेशा होता है जनरल हॉस्पिटल आलम है, और ये हम लोग यही तक सीमित नहीं होगा, ये मुद्दा आगे जाएगा। वी आर गोइंग टू इंटीमेट हम लोग का आपदा का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी स्टेट लेवल का, उसको भी हम लोग इंटीमेट करेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी हम लोग संपर्क में है, और गवर्नमेंट को भी ये हम लोग अगवा करेंगे। तो हमारा पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ड्यूटी में है ऑफिसर है स्टाफ है उसको भी कोऑपरेट कीजिए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एसएस मेडिकल स्टाफ काफ़ी स्ट्रेस में रहता है, उसके ऊपर में इस तरह का हमको धमकी देना, हमको फिजिकली असल्ट करना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ये हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुआ। ओके, तो सर उसी से हमने मिला है, तो उसी सर का कहना है जैसे ही कॉम्प्लेन कल रात मिला है तुरंत उन्होंने एक्यूज़ को अरेस्ट किया है और क्विक एक्शन लिया है उसी का तरफ से, पुलिस का तरफ से। तो हम ये जानना चाहेगा ऑलरेडी एक्यूज़ को अरेस्ट किया है तो आप लोग यहाँ आने का आप लोग का मेन रीज़न क्या है? मतलब अरेस्ट नहीं करने से तो अरेस्ट डिमांड के लिए अक्सर आता है थाना में, लेकिन ऑलरेडी अरेस्ट किया गया है तो आप लोग का यहाँ में क्या कहना है? तो मैं इसलिए आपको बताया कि हमारा मेडिकल के ओर से भी मेमो एफ आई आर लॉन्च करने आया था। ओके। ईएमओ ने लिखित में मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को कल का इंसिडेंट के बारे में बताया जी। उसके ये मुद्दा को लेकर हम मेडिकल का ओर से हमारा मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को ओर से एफ आई आर देने आया। ओके। सर ये एक्यूज का फैमिली का कहना है कि आउटसाइड द कोर्ट या आउटसाइड द थाना में केस को रजिस्टर नहीं करके सेटल करने से ठीक है ऐसे कहना है, तो इसमें आप लोग का डॉक्टर्स और नर्स और आप लोग का मेडिकल स्टाफ का क्या कहना है? नहीं, इसमें हमारा एक इंडिविजुअल का इसमें कमेंट नहीं हो सकता है। इसमें हम लोग मैंने बताया कि ये जो है केस आगे भी निकल गया है, तो हम लोग एज ए इंडिविजुअल आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। थोड़े पहले हमने देखा है कुछ डॉक्टर्स और आलो का जितने भी नर्सेज हैं
सभी पुत मर्च करके हॉस्पिटल से आपका थाना तक आया है, तो उनसे हम बात किया, तो उन लोगों का कहना है कि कल शाम एक नर्सिंग ऑफिसर को ऑन ड्यूटी एक लड़का आके असॉल्ट फिजिकली असॉल्ट किया है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? वेल हमें कल शाम को रात को अराउंड 11:45 करीब वो जो मेडिकल ऑफिसर क्या नर्सिंग ऑफिसर है जुमके ने थे उनका पिताजी आया था ये कंप्लेन लेके कि उनका बेटी को ड्यूटी के दौरान एक लड़का है कोम्बो पोमते का रिली लोलेन करके उन्होंने असल्ट किया करके। तो जैसे ही हमें सूचना मिला हमने तुरंत अपना टीम कोम्बो पोमते भेज के वो लड़का को हमने नैप भी कर लिया। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ जितना है हमने कर लिया, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो विक्टिम का करना है और ये एक्यूज़ का भी जो मेडिकल एग्जामिनेशन करके हमने लॉकअप में डाल के रखा हुआ है। तो हमने विक्टिम को ये भी बताया आप एक रिटर्न में एक कंप्लेन दे दीजिए करके। तो आज सुबह हमें 11 बजे रिटर्न कंप्लेन मिल गया, तो हमने केस रजिस्टर भी कर दिया है। तो हमने केस 341, 354, 323, 332 IPC और सेक्शन 4 ये अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल सर्विस पर्सनल एंड मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन एक्ट जो कि 2019 में इनेक्ट हुआ था उसके तहत हमने केस रजिस्टर किया हुआ है। तो आज हम वही एक्यूज़ को भी आज हम फॉर्मली अरेस्ट कर लेंगे और कोर्ट में प्रेस करके हमारा इन्वेस्टिगेशन में जितना ज़रूरी होगा उस हिसाब से हम पुलिस रिमांड भी लेंगे। हमें अभी FIR ड्रॉ करना है, FIR केस तो हमने रजिस्टर कर दिया लेकिन अभी FIR ड्रॉ करके उसके बाद हम कोर्ट में प्रोड्यूस और केस जहाँ तक केस रजिस्ट्रेशन का बात है हमने जब तक हमें क्लियर से मतलब ये कंप्लेंट रिटर्न में नहीं देता है तो वो तो थोड़ा उसमें तो ये होता है, लेकिन हमारा तरफ से कोई डिले नहीं है क्योंकि हमने CCTV फुटेज भी हम निकाल लिया। ओके सर, CCTV फुटेज में कुछ मिलने का संभावना है? हाँ ये सब है, लेकिन अभी हम आपको ये सब इन्वेस्टिगेशन का ये मैटर है, ये सब मैं अभी आपको सब पूरा डाइवर्ज नहीं कर सकता। ओके तो आप एकदम ये मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, पुलिस अपना काम कर रही है और जैसे भी जो भी हो मैंने जस्टिस देगा दिलाने का कोशिश करेगा, हमारा इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं रहेगा और हम पूरी तरह से आप लोग को जस्टिस दिलाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओके थैंक यू।